गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 3B। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसको रीड करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऑर्डर को आप चेंज करके प्लस करते हो तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे आपके पास कोई नंबर 2 दिया है और एक नंबर 2 और दूसरा क्या दिया आपका 3 दिया है, 2 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 2 करो, दोनों कंडीशन में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ, अंडरलाइन जो किया उसको लिखना है और एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। इस नंबर को इसके साथ प्लस किया गया, जैसे कि 24,871 को मैंने प्लस किसके साथ किया है, 24,524 को। देखो इसको मैंने प्लस किया, देखो इतना आया है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया ना, ऑर्डर को चेंज कर दिया, जो पहले था उसको मैंने बाद में कर दिया, यानी कि 34,524 को मैंने पहले कर दिया और 24,871 को मैंने पहले कर दिया। इसको प्लस करके देखो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आया, वो सेम आया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां से वो सेकेंड प्रॉपर्टी आपको होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या कहता है कि आपके पास दो या दो से अधिक नंबर होंगे, उनको किसी भी ऑर्डर में प्लस करो, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, वो सेम आता, ठीक है। जैसे देखो ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसको लिखना, यहां से लिखना दसम माप से, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको। एग्जाम्पल में ये नंबर लिखना, उसने क्या किया ना कि पहले इन दोनों को प्लस किया है, उसके बाद से थर्ड वाले को प्लस किया है, या फिर क्या करो ना आप पहले ना लास्ट के दो नंबर को प्लस करो और बाद में फर्स्ट वाले को प्लस करो, उस कंडीशन में देखिए आपकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसने क्या किया है ना, पहले इन दोनों को प्लस किया है, 32,517 को और 12,643 को उसने प्लस करा, देखो ये लिखा हुआ है। उसके बाद से क्या किया, उस वाले नंबर में इनको प्लस करने के बाद से फिर इसको प्लस किया है, देखो इन दोनों को प्लस किया और बाद में जो आंसर आया है उसमें इसको लास्ट वाले को प्लस किया है, ठीक है। या फिर आप क्या करो ना, लास्ट के दो नंबर को प्लस कर लो, लास्ट टू नंबर, देखो इसको प्लस किया है और बाद में पहले वाले को प्लस कर रहा है, देखिए आंसर क्या, दोनों कंडीशन में वो सेम आ गया। तो ये लिख करके फिर एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी दीजिए जो है, उसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आपको वैसे ही पता है जीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं ना, वैल्यू में कोई चेंजिंग ही नहीं आती है। या फिर जीरो में किसी नंबर को प्लस करें या फिर किसी नंबर में जीरो को प्लस करें, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो क्या लिखा है यहाँ से, वो आपके पास नंबर लिखा है, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, जैसे 5 ले लो, 5 में जीरो को प्लस करो सर 5 मिलेगा, या फिर 0 में 5 को प्लस करो तभी भी 5 मिलेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी यहां से यहां तक लिखनी है और एग्जांपल यहां से यहां तक लिख। देखो इसमें क्या कर दिया, उसने जीरो को प्लस किया है ना, देखो वही आंसर आया जो ऊपर लिखा, वही आंसर आया। या फिर पहले जीरो लिखो और बाद में नंबर को लिखो प्लस करो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। मुझे उससे तो मतलब नहीं, बस ये दिखाना चाहते थे कि जीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस करो, आंसर में क्या होता है, कोई चेंजिंग ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 26,428 प्लस 34,235 इक्वल टू लिख दिया है, यहां से 34,235 प्लस ये फिलअप बना दिया आपको, कह रहे बताइए इसमें क्या फिलअप करना, ठीक है। देखो इसको प्लस नहीं करना है, ये बस आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके उसने ऐसा लिखा हुआ है, देख के बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। ऑर्डर को चेंज कर दिया ना, देखो जो नंबर ना पहले यहां पे था उसको हटा के देखो पहले इसको कर दिया है, तो आपको यहाँ पे जो नहीं दिख रहा उसे बस फिलअप करना है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा कौन सा दिख रहा है, ये तो दिख रहा है तो आपने लिख दिया, क्या नहीं दिख रहा सर, यही नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 26,428।
एक्चुअली प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया थी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उसी को ऑर्डर चेंज करके प्लस करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी कर सकते हो, उसमें लगाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थ्री नंबर दिया आपको, एक को गैप कर दिया उसने। सी देखो, सी में बताना ही नहीं, वैसे भी आपको पता है किसी भी नंबर के साथ जीरो को प्लस करो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चलिए देखिए तो क्या हुआ होगा, ऐसे जितना ये लिखा हुआ है उसमें जीरो को प्लस करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फिलहाल में आपको यही आ जाएगा, जो होगा वही आ जाएगा। डी वाला, डी क्वेश्चन जैसे इसका रिवर्स लिखा हुआ है, उसको नहीं करें आप लोग, कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, देखो 45612 प्लस 71548 को एक साथ प्लस करके कह रहा आप क्या प्लस करोगे, जबकि मुझे मिलना चाहिए ये 45612 प्लस 7148 और प्लस में क्या 37820। अब देखो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग फिलअप करना, क्या आपको देखो यहाँ पे 45612 लिखा है, 71520 लिखा है, 30 इसमें देखो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, सबसे पहले हाँ देखो ना मैच करके देखो, एक्चुअली प्रॉपर्टी दिया हो इसी में से कोई फिलअप करना, क्या क्या लिखा है देखो, उसने जो देखो 45612 दिया है सर, यहाँ दिया हुआ है 71 दिया है सर, 71 भी दिया हुआ है, ये 37 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, बस वही फिलअप करना है 37825। ये बस आपको प्रॉपर्टी को फिलअप करवा रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी को ही फिलअप करना है, प्रॉपर्टी को नहीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3C। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखा कि आई स्कूल कलेक्टेड मनी फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ फंड, फॉर दिस क्लास फोर्थ ए कलेक्ट ₹34,272, क्लास फोर्थ बी कलेक्ट ₹38,850 एंड क्लास फोर्थ सी कलेक्ट ₹40,272, व्हाट वाज द टोटल कलेक्शन। आपसे टोटल पूछा है ना, इन्हें कुल मिला के वो प्लस करने के लिए कहा गया। देखो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है तो स्टेटमेंट आपको बनाना जरूरी होता है, अगर स्टेटमेंट नहीं भी बना सकते हो तो कोशिश करना ना कि क्वेश्चन को सही से करें, ठीक है, बट ये कोशिश है कि हम ना कम से कम कुछ तो स्टेटमेंट लिखने के लिए शुरुआत करें, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा। पहले देखिए कलेक्ट मनी, क्या लिखा क्लास फोर्थ से मिलता है कितना पैसा, कलेक्ट क्लास फोर्थ ए से कितने पैसे मिलते हैं उसको, 34,200 दिख रहा है ना, मनी कलेक्टेड फ्रॉम क्लास फोर्थ बी से कितने पैसे मिलते हैं,
15 और क्लास क्लास फोर्थ सी से कितने पैसे कलेक्ट होते हैं? 40,272। अब यहां से आपसे पूछा गया टोटल मनी, आपसे टोटल पूछा है ना, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्लस करना पड़ता है, ठीक है, बस इसी को प्लस कर दी। और स्टेटमेंट सही हो, स्टेटमेंट की कोई बात नहीं, देखो नंबर सही, 2 2 4 5 9 कैरी मिलेगी नहीं, 7 7 14 और 11 15 कैरी आप किया गई 1 8 और 2 10 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया आपका ये 10 और 1 13 कैरी मिल गया आपको ये 1, ये 5 होगा 5 और 8 13 कैरी आपके 1 4 और ये 6 10 और ये 11 इन इतने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। आंसर देखते हैं 3B कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सही दिया हुआ 1,13,359। एक बार और कोशिश करना स्टेटमेंट बनाए, ये नहीं कि सर स्टेटमेंट नहीं बनाने आता तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, नहीं आएगा तो कल इतना लिख के तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो शुरुआत करना आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको देख, ये कहता नहीं कि खुद ही मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है, खुद ही रीड करके आपको फर्क करना होता है कि क्या कह रहा है, प्लस करने के लिए कि माइनस करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड सेम ऐसे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड, इन अ सिटी देयर आर 4,22,519 मेल, 3,23,196 फीमेल एंड 1,63,129 चिल्ड्रेन, व्हाट इज योर टोटल। देखो टोटल बोला है ना, तो जब भी मैक्सिमम केस में जब भी आपसे टोटल पूछा जाता है क्वेश्चन में ना, तो वो प्लस करने के लिए कहा जाता है, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करना, 4 देखो क्या लिखा है, नंदनीज कार कॉस्ट रूपी दिस, निहारिका कार कॉस्ट रूपी दिस, अच्छा ये मोड दिया हुआ है ना, मोड नंदनीज कार, हाउ मच डज निहारिका कार कॉस्ट, इसको भी प्लस करने के लिए कहा गया है, ठीक है इसको प्लस करना। द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट रूपी दिस एंड द सीडी प्लेयर रूपी दिस, हाउ मच डिड दे कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब दो चीज खरीदने के लिए जाते हो तो दोनों पैसा खर्चा करोगे, और दोनों पैसे खर्चा करोगे तो कितने पैसे खर्चा करोगे, टोटल ही खर्चा करोगे ना, जितने पैसे दोनों का कॉस्ट होगा, तो प्लस करने के लिए कहा गया, कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ टीवी सेट लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट जितना दिया उतना लिखना आप, ठीक है कितना दिया 35,690 एंड कॉस्ट ऑफ सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर कितने का है वो रूपीज 20,295, आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं बस इसी का प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट के लिए ये आपका 5 हो जाएगा, 9 9 18 कैरी 1 आ जाएगा, ये 6 1 7 और 2 9 हो जाएगा, कैरी मिलेगी नहीं 5 और ये हो जाएगा 55,985। 3C क्वेश्चन 5
इजी क्वेश्चन दिया कर सकते हो, ठीक है। सिक्स भी ऐसे ही दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन एट भी प्लस करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन सेवन भी आपको प्लस ही करना है, ऑल टुगेदर लिखा हुआ है, ऑल पूछा गया है, टोटल पूछा गया मतलब। क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी आपको प्लस करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए टेन, लिखा है कि सोहनलाल हैज अ फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप, ही सोल्ड 17,260 बनानाज, 1,40,356 एप्पल्स एंड 20,75,100 ऑरेंजेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वीक, हाउ मेनी फ्रूट डिड ही सेल, कितने फ्रूट्स को सेल किया गया, ऑल कहा गया ना, मतलब कि वो प्लस किया गया है। नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना सेल कितना बेचा गया है, नंबर ऑफ बनाना कितना दिया है, 17,236, फिर से क्या लिखा आपका ऐसे हो, नंबर ऑफ एप्पल, कितना दिया है, 20,75,100 ऑरेंजेस है, और एप्पल हो गया, और ऑरेंजेस कितने हैं, 20,75,100, ठीक है। और सिर्फ पूछा क्या है ड्यूरिंग पार्टिकुलर, हाउ मेनी फ्रूट डिड ही सेल, तो यहां पर लिख लूंगा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, ठीक है, क्या टोटल नंबर ऑफ फ्रूट प्लस नहीं करेंगे, आप उसको देशी को प्लस करेंगे, ठीक है, आपका आंसर है। या फिर देख लो 6, 6, 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 4, 4, 5, 9 कैरी नहीं मिलेगी, 2, 3, 5, 1, 6, 5, 7, 5, 12 कैरी 1 आ जाएंगे, 7 और 4, 11, 12 और ये 13 कैरी मिल जाएगा आपको, यहां से 1, ये हो जाएगा 2 और ये 2। तो ये क्वेश्चन आपको ये सब कर लेना, ठीक है।